हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक पॉइंट की। उस बेसिक पॉइंट का नाम था ORM, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसे आप GOC भी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस GOC के अंदर मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई थी। दो बातें कौन कौन सी बताई थी? पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी, अगर मान लो A+B, मैं देखो बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक तरीके समझ में आ जाए। मैं ये कहूँगा आप इन लेक्चर को तुरंत देखते रहिए, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आपका जो सिलेबस है इस बार NCERT का सिलेबस है, और NCERT की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो अपने आप में काफ़ी लेवल रखती है, तो उस लेवल को टच करने के लिए आपका जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये मैं कह सकता हूँ, अबकी बार जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा लगभग नीट के लेवल का रखेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट एग्जाम के लेवल के आते हैं। तो आप उन चीज़ों ना डरिएगा, बस आपका काम ये होगा जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आप तुरंत रीड कीजिए, नोट्स बनाइए उसके अपने आप, और जो बाद में जो 12th का स्टार्ट होगा तो मैं आपके नोट्स बनवाई दूंगा। ठीक है भाई, मैं बात कर रहा हूँ अपने लेक्चर की। तो मैंने आपसे कहा था कि A+B मिलके बना रहा है C+D। मैंने आपसे कहा था जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसे आप बोलते हैं रिएक्टेंट, ये कहा था मैंने आपसे, उसे आप बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होता है उसे आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये बात मैंने कही थी आपसे। फिर मैंने आपसे कहा था प्रोडक्ट के बारे में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दुनिया में चाहे आप कहीं पढ़े, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप KVPY की मान लीजिए या ओलंपियाड की मान लीजिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और वहां पर अगर केमिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपसे केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? और तीसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको? स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। इन तीनों के लिए हमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। फिर मैंने बात की थी किसके बारे में? रिएक्टेंट के बारे में। और मैंने आपसे कहा था आपका जो रिएक्टेंट है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 2 पार्ट है? एक पार्ट तो होता है आपका सबस्ट्रेट, और दूसरा पार्ट क्या बताया था मैंने आपको? रिएजेंट। ये बताया था मैंने आपको, एक पार्ट तो होता है आपका सबस्ट्रेट और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका? रिएजेंट। फिर आपने ये कहा था कि सर सबस्ट्रेट क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि आपके 11th में और 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के नेम है वे सब के सब क्या है? सबस्ट्रेट। उसका मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, एल्केन हुआ आपका, आपकी एल्कीन हो गई, आपका एल्काइन हो गया, आपका एल्किल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड हो गए, एटसेट्रा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एसिड डेरिवेटिव हो गए, एमीन हो गए, ये सब के सब क्या है आपके? सबस्ट्रेट। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। मैंने आपको कहा था रिएजेंट क्या होगा? जो अटैक करेगा, यानी इसे बोलते हैं पर अटैकिंग एजेंट। और सबस्ट्रेट क्या होगा? जिस पर अटैक होगा, यानी सबस्ट्रेट तो क्या होगा? जिस पर अटैक होगा, और रिएजेंट कौन होगा? जो अटैक करेगा। फिर मैं बात कर रहा था किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे रिएजेंट के बारे में। और मैंने आपसे कहा कि बेसिकली तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सामान्य रूप से 2 रिएजेंटों के बारे में चर्चा की जाती है। एक रिएजेंट तो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा रिएजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर रिएजेंट की हम ओरिजिनल बात करें तो रिएजेंट बेसिकली 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है फ्री रेडिकल। यानी मैंने कहा था आपके जो रिएजेंट है वो 3 टाइप के हैं। एक तो आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपका होगा न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा आपका होगा कौन सा? फ्री रेडिकल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेह, इसे भी क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। लिख देता हूं, इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप नाभिक स्नेही। और इसे क्या बोलते हो आप? मुक्त मूलक। ये 3 रिएजेंट ऐसे हैं जो किस पर आक्रमण करेंगे? जो किस पर आक्रमण करेंगे? या आक्रमण करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? सबस्ट्रेट के ऊपर। और मैंने आपसे एक बात कही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी जितनी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है, उनके जो नाम दिए जाते हैं वो इन रिएजेंट के ऊपर ही दिए जाते हैं कि जो आपका रिएजेंट है वो कौन सा है। अगर मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जुड़ रहा है तो उसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो रहा है तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर मान लो मुक्त मूलक का योग हो रहा है तो उसका नाम होगा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अगर मान लो नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है
तो नाभ होगा नाभिक, इसने ही प्रतिस्थापन अभी किया। अगर मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन हो रहा है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभी किया, और अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है तो नाम होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभी किया। इसका मतलब यह हुआ जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं चलती हैं उनके जो नाम दिए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इन रिएजेंटों के अकॉर्डिंग, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा या आपका होगा फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, उसमें हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा किसके बारे में कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे पहले किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे जी, हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो मामला चेंज थोड़ी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन। और जो फाइल है, फाइल का मतलब होता है लविंग, क्या होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आकर्षित करेंगे उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगर आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि वे अभिकर्मक, भाई रिएजेंट को हिंदी में अभिकर्मक बोलते हैं, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है भैया जी नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब बताओ मुझे, आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, ये बात तो मैंने आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। और आपको पता है नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके ऊपर स्वयं पे चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है अगर चार्ज सेम हो गए, अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव है, तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव को क्या अट्रैक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो आपको पता लग गया होगा कि इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव होगा तभी तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, हम कह सकते हैं जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। आप सुनो ये बात हमेशा सत्य नहीं होगी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। उदासीन अणु भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे वो तो बताऊंगा ना मैं आपको, लेकिन मैं एक सामान्य रूप से आपसे कह सकता हूं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट जब ही करेगा जब इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और इसे दिखाते किससे थे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल और प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, बात समझ आ रही है आपको। इसे बेसिकली किससे दिखाया जाता है, ई प्लस से दिखाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता लग गया होगा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करते हैं अट्रैक्ट। अब मेरी बात सुनो आप, अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि होगी। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी तो होगी, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अरे भाई जो पहले से ही अमीर है, बताओ क्या वो किसी का धन लेना चाहेगा क्या, लेकिन जो गरीब है बताओ अमीर को धन लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मतलब इसके पास क्या होगी, इसके पास होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या होगी इसके पास होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। अरे प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कम, तभी तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब बात समझ आई, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो मैं आपको दो बातें बता रहा हूं फिलहाल तो, कि यहां इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन है और फाइल का मतलब लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट वही करेगा जिसके ऊपर स्वयं पे चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव। तो हमने कहा इसे किसे दिखाएंगे हम, ई प्लस से। अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं यानी इनके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। बात समझ
क्लियर है आपको? इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो यहां तक की बात शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफाइल की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी हमको देख कर पता लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले बताता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से होते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो हम बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से होते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आपके चलते हैं। देखो पहली बात करते हैं, पहली बात जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले यानी धनावेश वाले, आपका इंग्लिश देता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज। देखो भाई पहला क्या लिखा है मैंने, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज है। अब पॉजिटिव मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं मैं, बताऊंगा कहां पर अपवाद लगेगा। ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज है वे सबके सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज अगर आपको मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे आप क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल दोगे आप? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन मैंने क्या बोला है आपसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलता है तो ही क्या बोलोगे उसे? इलेक्ट्रोफाइल। मैं बात अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कौन सा एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल देखो R प्लस, क्या है? R प्लस। यहां R क्या होता है जानते हो आप? R को तो आप जानते हो, R आपका है एल्काइल ग्रुप। क्या है R आपका? R होता है आपका एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल को आपने खूब पढ़ा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्जरी ब्यूटाइल, सब जानते हो आप। तो जितने, जैसे मैंने आपसे कहा बताओ ये क्या होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो मैंने ये लिख दिया, इसके ऊपर लगा दिया चार्ज प्लस। देखो आप बताओ ये एल्काइल ग्रुप है कि नहीं है, बताओ इसके ऊपर चार्ज प्लस है कि नहीं, बताओ किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, नहीं करेगा? अगर मान लो अगर मैं इसके ऊपर ही प्लस ना लगा के अगर मान लो फ्री वैलेंस लगा देता तो आपको दिख रहा है एक कार्बन के ऊपर तीन मिथाइल है, इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप टर्सरी। क्या बोलोगे इसे आप? टर्सरी। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, चार कार्बन क्या बोलते हैं आप? ब्यूट। और फ्री वैलेंस के लिए क्या लगाते हैं? इल नाम होगा इसका टर्सरी ब्यूटिल। क्या नाम होगा इसका? टर्सरी ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटिल बोल सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें जो फ्री वैलेंसी थी इस फ्री वैलेंस को गायब कर दिया, उसके ऊपर चार्ज क्या लगा दिया? प्लस। बताओ ये आर है कि नहीं? और आर के ऊपर अगर चार्ज प्लस आएगा बताओ किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और आपको पता लग गया इलेक्ट्रोफाइल का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्या हो गई इसके पास? इलेक्ट्रॉनों की कमी। बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा? बताओ किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। लिख दिया मैंने आर प्लस, यानी जितने भी आर प्लस होंगे, चाहे वो सी एस थ्री प्लस हो, सी टू एच फाइव प्लस हो, कुछ भी प्लस हो, अगर आर प्लस अगर आपको दिखता है तो आप क्या कह देंगे उसे? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैंने आपसे कहा बताओ सी एस थ्री प्लस, क्या लिख दिया मैंने? सी एस थ्री प्लस। बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? दिख रहा है आपको साफ साफ कि सर ये तो आर होता है और आर पे चार्ज प्लस होता है, और अगर आर पे चार्ज प्लस होगा तो सर किसका काम करेगा? ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। बात समझ आ रही है आपको? जैसे मैं लिखता आपके सामने, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, ये लिख दिया मैंने, बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल। दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा आ रहा है और आर के ऊपर चार्ज प्लस है, बताओ किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। बात समझ आ रही है आपको कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो पहला एग्जाम बता दिया मैंने आपको, जितने भी आर प्लस होते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आर प्लस होते हैं सबके सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं भाई? सबके सब इलेक्ट्रोफाइल है, सबके सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जाम ले सकते हो आप एक्स प्लस, क्या ले सकते हो आप? एक्स प्लस। एक्स क्या है आपकी? एक्स है आपकी हेलोजन, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, आयोडीन हो गई, ये है आपकी। अभी चाहे F प्लस हो, चाहे सी एल प्लस हो, चाहे बी आर प्लस हो, चाहे I माइनस I प्लस हो, ये सबके सब जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैं कहूंगा F प्लस हुआ, सी एल प्लस हुआ, बी आर प्लस हुआ, I प्लस हुआ, ये सबके सब क्या कहलाएंगे? ये सबके सब कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। दिख रहा हूं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, उसमें पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? आर प्लस, यानी एल्किल ग्रुप के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। अगर हेलोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो भी किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इसके अलावा और एग्जांपल देखो आप, और कौन कौन से एग्जांपल? NO2 प्लस, NO2 प्लस आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दिखते क्या बोल दोगे आप? किसका एग्जांपल होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ये ले लो एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर लगा दिया चार्ज प्लस, बताओ इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोकार्बन भी है और चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज दिखते बोल दोगे ना? प्लस चार्ज दिखते क्या बोल दोगे आप? वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनो H प्लस, इसके ऊपर ध्यान रखना भाई, H प्लस। आप जानते हो मैंने बताया था आपको
एच के तीन रूप होते हैं, एच, एच प्लस, एच माइनस, और एक ये भी होता है एच रेडिकल। देखो इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप हाइड्रोजन। क्या बोलते हो इसे आप, इसे बोलते हो आप हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं प्रोटोन। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोन। बताया था मैंने आपको, अरे बताया था, डिस्कवरी करवाई थी गोल्डस्मिथ से। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्राइड। और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन के चार रूप होते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं प्रोटोन, इसे बोलते हैं हाइड्राइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। देखो आप ध्यान से, इस एच के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास कितना है, प्लस एक था वो भी डोनेट कर दिया। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जीरो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, जीरो। यहां जाओ एच माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बताओ एच के पास ऐसे तो इलेक्ट्रॉन एक होता है, और माइनस का मतलब क्या है, उसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक और ग्रहण कर लिया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। बताओ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। और एच रेडिकल का मतलब क्या है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन। यानी इसको इसको बात नहीं, इसको दिखाना, इसको दिखाना, बात एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। अब देखो आप एच प्लस, अब आप देखो इनमें, देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके पास है जीरो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था। आवर्त सारणी का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होता है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने दान कर दिया। बताओ उसका डब्बा पूरा खाली पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। बताओ उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि नहीं, तो चार्ज बताओ प्लस आएगा नहीं आएगा। और जिनके ऊपर चार्ज प्लस होता है उसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, जो एच प्लस होता है जिसे आप प्रोटॉन बोलते हो, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन अब तुम क्या गलती करते हो, जैसे मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस बात को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस बात को पूछा जाता है कि निम्न में से, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे मैं लिख दूं यहां पर, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, एच प्लस, एन ए प्लस, सी, ए एंड बी, डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ने बताया था प्लस चार्ज वाले तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो आपको दिखेगा एच प्लस, एन ए प्लस, और ऑप्शन क्या दिखेगा, ए एंड बी। टिक करके आ जाओगे आप, गड़बड़ हो जाएगा भाई मामला, यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने क्या एच प्लस लिखा है, मैंने क्या वहां पर एन ए प्लस लिखा है, क्या मैंने वहां पर एन ए प्लस नहीं लिखा है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ऐसी गड़बड़ एग्जाम में नहीं करनी है, चाहे एग्जाम कोई सी हो, बस आपके कॉन्सेप्ट का लेवल अच्छा होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा है, केवल H प्लस जिसे आप बोलते हो प्रोटोन, इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रोटोन बोलते हैं भैया जी। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोन। जो आपका ये प्रोटोन है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जो आपका ये Na प्लस है, ये सोडियम जो आयन है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, समस्त प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज वाले समस्त स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन H प्लस इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो R प्लस हो गया, X प्लस हो गया, NO2 प्लस हो गया, RCO प्लस हो गया, H प्लस हो गया, किसी कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की। लेकिन ध्यान रखना Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। Na प्लस किसकी कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर। अब बताता हूं आपको, देखो अगर नोट की बात करें तो मैं नोट डलवा सकता हूं आपको, एल्कली मेटल्स पढ़ाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में। एल्कली मेटल्स कौन सी होती है, एल्कली मेटल कौन सी होती है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, फर्स्ट ए ग्रुप में पाई जाती है। एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। बाकी रेडियम तो रेडियो एक्टिव होता है, हम डिस्कस नहीं करते इसको, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा भाई। जो एल्कली मेटल होती है और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, यानी एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए ग्रुप है और जो सेकंड ए ग्रुप है, उनकी जो चार्ज है उनके, जैसे बी प्लस टू हुआ, एम जी प्लस टू हुआ, सी ए प्लस टू हुआ, एन ए प्लस हुआ, के प्लस हुआ, आर बी प्लस हुआ, सी जे प्लस हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो भी तो एल्कली मेटल है। सर आपने तो कहा था हाइड्रोजन यहां होता है, हलीना की तरफ से फरियाद कहा था मैंने आपसे, सर ये हाइड्रोजन है, ये भी तो इनके साथ ही आ रहा है, फिर ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सर, ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो बनेगा आपके सामने,
भाई क्वेश्चन तो आपके सामने बनेगा, सर आपने कहा है कि एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन सर जो आपका ये हाइड्रोजन है जिसको आपने प्रोटोन बना दिया, ये भी तो इसी के अंदर आता है, फिर ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ऐसा क्यों भाई? जब परिवार के एक ही परिवार के सदस्य हैं तो इनके साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? लेकिन मैं बता दूं आपको, मैंने आपसे कहा था जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये भैया जंपिंग एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? जंपिंग एलिमेंट, कूदता रहता है एक दूसरे के पास। मैंने कहा था आपकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी कमी यही है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। ये जो आपको हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग के अंदर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ पाया जाता है भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके ऊपर भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यानी हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में वो आपको दो जगह मिलेगा, एक तो मिलेगा इसके साथ, किसके साथ? फर्स्ट ए वर्ग के साथ, और एक मिलेगा आपको हैलोजन के साथ। ये होता है 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? 17 ग्रुप। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आपका जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट ए वर्ग के साथ भी पाया जाता है और ये हैलोजन के साथ भी पाया जाता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? सुनो भाई, आपको पता है जो फर्स्ट ए वर्ग वाली जो धातुएं, ये जो एस ब्लॉक है, ये सारी सारी धातुएं होती हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था भोले सी वैसी तेरी आत्मा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक डायगोनल डलवाया था और मैंने कहा था इस डायगोनल के ऊपर तो क्या होंगे? मेटलॉइड्स। इसके इधर क्या होंगे? सब मेटल्स, मैं कहूंगा अधातु होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। इधर क्या होंगे? सारे के सारे मेटल्स। तो बताओ जो आपका एस ब्लॉक आएगा उसमें बताओ समस्त की समस्त धातुएं होंगी कि नहीं होंगी? और आपको पता है जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है। क्या रखती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो मैं कहूंगा आपका जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। देखो त्याग रहा है, जब तो परस्पर बना रहा है भाई। मैं क्या कह रहा हूं आप सुनो ध्यान से। आप ये कहोगे सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर आपने कहा कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है साहब। लेकिन सर हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है, ये हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल के साथ ही आता है, फिर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो ये जो हाइड्रोजन है इसका स्थान आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है, ये फर्स्ट ए वर्ग के साथ भी पाया जाता है और ये 17 ग्रुप के साथ भी पाया जाता है। इसके साथ क्यों पाया जाता है? अभी बता दूंगा आपको। और इसके साथ क्यों पाया जाता है वो बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा था भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बताई थी मैंने आपको आवर्त सारणी में ट्रिक। मैंने कहा था जो भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा वाले जो एलिमेंट है वो होती है क्या? मेटलॉइड्स, यानी उन्हें बोलते हैं आप उपधातु। उसके जो इधर वाले एलिमेंट है सारे सारे उन्हें क्या बोलते हो आप? अधातु। और मैंने कहा था जो इधर वाले एलिमेंट है उन्हें क्या बोलते हो आप? धातु। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो बताओ आपका जो एस ब्लॉक है, बताओ इस मेटलॉइड के इधर है कि नहीं? बताओ इस सारी सारी धातुएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। और आपको पता है 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है। धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। और ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था लेवोजियर का मॉडल। लेवासियर का जो मॉडल था वो ये तो कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उन्हें बोलो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें बोलो नॉन मेटल, और जो दोनों ही काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोल दिया गया? मेटलॉइड, बताया था मैंने आपको। तो आप ये देखो आपका जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, बताओ सारी सारी धातुएं हैं कि नहीं? और धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती? और आप देखो आपके हाइड्रोजन को, आपका हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बताओ ये एस ब्लॉक के साथ पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। अब दूसरी बात आ जाओ, चलो फिर आप कहोगे सर कोई बात नहीं हमने मान लिया ये पाया जा रहा है इसके साथ। सर यहां क्या है? सुनो आपके जो हैलोजन है, आपके जो हैलोजन है उनका देखो, ये जितने भी हैलोजन है इनके आगे क्या आएगी? नोबल गैस आएगी। जैसे फ्लोरीन के आगे कौन सी नोबल गैस आएगी? नियोन। इसके आगे कौन आएगी? ऑर्गन। इसके आगे कौन आएगी? क्रिप्टोन। इसके आगे कौन आएगी? जीनोन। इस प्रकार की जाएंगे नोबल गैस। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 7 होता है। वो सॉरी फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं, सोचो आप अगर मैं फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं, बताओ एफ माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई फ्लोरीन को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दिया बताओ एफ माइनस बनेगा नहीं बनेगा? अब इस एफ माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। क्योंकि 9 तो पहले से थे, एक आपने दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। बताओ चार्ज माइनस आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये नियोन जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाई। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है और नियोन के पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं। तो बताओ आपका जो फ्लोरीन है, बताओ नियोन बना कि नहीं बनेगा? बन गया नियोन। यानी आपका जो फ्लोराइड आयन है वो किसके तरह काम कर रहा है? नियोन की तरह। यानी मतलब ये हुआ ये हैलोजन के जो सदस्य है, इन्हें हैलोजन बोलते हैं भाई, ये जो हैलोजन के जो सदस्य है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नोबल गैस जैसे बन जाते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? अब आओ हाइड्रोजन के ऊपर आओ। अगर हाइड्रोजन को मैं एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं बताओ ये एच माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर हाइड्रोजन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं तो क्या बन जाएगा? एच माइनस।
अगर एच माइनस बन गया, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो। और आपको पता है हीलियम के पास, किसके पास, हीलियम के पास भी तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, बताओ नोबेल गैस जैसा विन्यास प्राप्त किया कि नहीं किया। और जब आपने हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन दिलवाया, बताओ इसने भी नोबेल गैस विन्यास जैसा प्राप्त किया कि नहीं किया, किया। इसलिए इसलिए हाइड्रोजन को 17 ग्रुप के साथ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये भी नोबेल गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इनके जैसा व्यवहार दिखाता है, इसलिए वो इसके साथ ही पाया जाता है और वो उसके साथ ही पाया जाता है। बात समझ आ गई आपको कि हाइड्रोजन का जो आवर्त सारणी में स्थान है वो अलग अलग जगह क्यों है। मैं बात तो फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा था, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि ऐसा क्यों रहा है। बात समझ आ गई आपको कि हाइड्रोजन को इसके साथ क्यों रखा गया है और इसके साथ क्यों रखा गया है। एक बात और, जो आपकी ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपको पता है ये इसमें पाई जाती है Fe2Cl2Br2I2, इस रूप में पाई जाती है। और आपको ये पता है आपका जो H है वो भी तो H2 के रूप में पाया जाता है, यानी ये भी बायोमोलिकुलर होती है। इनके पास भी दो दो एलिमेंट्स होते हैं और H के पास भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, दो। तो इन दो गुणों के कारण, कौन कौन से दो गुण, कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या विन्यास प्राप्त कर लिए, नोबल गैस जैसा, और इनके पास भी दो दो एलिमेंट होते हैं, इसके पास भी दो दो एलिमेंट होते हैं, यानी ये भी बायोमोलिकुलर होती है और हाइड्रोजन भी क्या होती है, बायोमोलिकुलर। इस कारण से 17 ग्रुप के साथ ही पाया जाता है और ये फर्स्ट ए ग्रुप के साथ ही पाया जाता है। तो बताओ अब आपका जो हाइड्रोजन है, अब आपका जो हाइड्रोजन है वो बताओ क्या एल्कली मेटल के साथ काउंट होगा, क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं लिया है। और जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक के तत्वों की, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एस ब्लॉक के अंदर, मेरी बात सुने ना यहां से आप, अगर आपसे कोई पूछे बताओ एस ब्लॉक के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 12। कितनी बतानी है, 12। आपको उसके अंदर हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है एल्कली मेटल्स के अंदर काउंट नहीं होता। बस एक इसका व्यवहार दिखता है इस जैसा, इसलिए हम रख देते हैं, बाकी ये इसके जैसा मतलब ये एल्कली मेटल के अंदर काउंट नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ एस ब्लॉक के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कितने बताओगे, 12। आपको 13 नहीं बताने हैं, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स में काउंट नहीं होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि काउंट क्यों नहीं होता है, तो बता दोगे आप, क्यों, इसका व्यवहार इसके साथ ही मैच करता है और इसके साथ ही मैच करता है, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है। ये आज तक की कमी है, अब तक की कमी है ये आवर्त सारणी की, ठीक है भाई। खैर अपन मुद्दे वाली बात करते हैं, इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो H+ है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये जैसा ही नहीं। अगर ये भी एल्कली मेटल होता, अगर ये भी एल्कली मेटल्स होता, बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल्स बनता क्या, नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो अपने पास H+ है, ये जो H+ है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये किसका काम, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये धातुएं हैं, ये धातुएं हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है, ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखती है। धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जबकि आपको पता है आपका इलेक्ट्रोफाइल में बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा ना, जबकि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बताओ दोनों व्यवहार अलग अलग हुए कि नहीं हुए। इसलिए एल्कली मेटल्स और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, यानी क्षारीय धातुएं और जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। बोलो यहां तक बात समझ आई नहीं है, क्लियर है, तो आप इसी बात को नोट डाल दीजिएगा कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और अपने पास बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ऐसा, और बेरियम और रेडियम भी ले सकते हो आप, ये भी रेडियो एक्टिव होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। कौन होगा केवल इलेक्ट्रोफाइल, एच प्लस, क्लियर बात। अब दूसरा बात सुनो, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला, तो आपने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन से हो गए, आर प्लस, एक्स प्लस, एनओ टू प्लस, आर सी ओ प्लस, एच प्लस, ये किसका काम करते हैं, ये काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का, मतलब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित, यानी मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्या रखेंगे, क्षमता। दूसरी बात सर, और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, अगर मैं बात करूं डिफरेंट एलिमेंट के बीच, सुना ध्यान से बात, डिफरेंट एलिमेंट के बीच यदि मल्टीपल बॉन्ड हो, मेरी बात सुन लेना एक ध्यान से, डिफरेंट एलिमेंट के बीच यदि मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड जाते हैं, या तो डबल हो या ट्रिपल हो, मल्टीपल बॉन्ड दो ही होते हैं केमिस्ट्री में, डबल होगा ट्रिपल होगा, फोर वाला बॉन्ड नहीं होता है यहां पर। डिफरेंट एलिमेंट के बीच यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो वह भी किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। देखो कितने इंपोर्टेंट मैटर, अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच, इन डिफरेंट एटम के बीच अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं तो किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एग्जाम्पल देखो आप,
एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आती है। देखो जब मैं बात करूं CO2 के बारे में, किसके बारे में करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जानते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखूं तो ये होगी इसकी ओपन स्ट्रक्चर, और आपने देखी भी होगी CO2 की ओपन स्ट्रक्चर ये होती है। अब देखो आप, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, और ये कौन है आपका कार्बन। बताओ दोनों एलिमेंट अलग अलग है कि नहीं, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बन है, और आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट के बीच, किसके बारे में कह रहा हूं, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्ड हो, कैसा बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो, या कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है कि नहीं, है डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो वह किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बताओ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहलाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए क्या कहलाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैं कहूं SO2, क्या ले लिया आपने SO2, ये ले लिया आपने SO2, देखो भाई SO2, देखो देखो डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं, डबल बॉन्ड है कि नहीं, बताओ किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। SO3 ले लो आप, SO3 ले लो आप, बताओ डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं, डिफरेंट एलिमेंट, देखो ना आप, ये सल्फर है ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन है, बताओ मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, बताओ किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। बात समझ रही है आपको, अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखता है तो आप कह देंगे वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगा, अभी तक इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताना आपको, फिर बताया जाएगा आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।